सो गाइज इनकी अभी अभी शादी हुई है और देखो इतने बड़े बड़े बच्चे, वाह वाह वाह। और देखना धीरे धीरे टोकन में पूरी गिरेगी तो प्लेट से निकल जाएगी। नहीं निकलता, नहीं निकलता। ऐसा लग रहा है मेरे को टाटा है इसमें बैठे। माय गॉड गर्ल्स, हाय गर्ल्स। सो गाइज अभी हम लोग आ गए धवलगिरी, और धवलगिरी ऐसे हाइट पे है। यहाँ पे आने के लिए गाड़ी जो आती है लेके उसको 120 रुपये चार्ज पे करना है, तब जाके गाड़ी आती है। सबसे पहले शिवजी का मंदिर आता है, फिर उसके बाद में धवलगिरी आता है। और ये नज़ारा देखो यहाँ से धवलगिरी, बहुत प्यारा नज़ारा है, पूरी सिटी दिखती है यहाँ से। सो गाइज इनकी अभी अभी शादी हुई है और देखो इतने बड़े बड़े बच्चे, पहले से इनको कुछ चल रहा था। इनका प्यार पुराना था। शादी ना बस 6 महीने पहले किया, घर वालों की रजा मंजूरी नहीं थी, उतारना पड़ता कि ऊपर। चलो ना अपनी गाड़ी में रख देते, यहाँ से ऐसे स्टेयर से चढ़ना पड़ता है ऊपर, ये देखिए। ये यहाँ पे सबसे पहले शिवजी का मंदिर है। तो अभी जा रहे हैं शिवजी का मंदिर, मंदिर का दर्शन करने के बाद धवलगिरी, जो ये मुझे एकदम सामने दिख रहा है, बुद्धा टेम्पल है ये, ये देखिए। एक बार बोलो सब लोग इसको आंटी, अगर इसने मेरे को अभी अंकल बोली तो बोलो इसको आंटी। किधर जा रहे? वाव 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 ऑसम। तो गाइस ये था धवलगिरी टेम्पल, ये एक बुद्ध टेम्पल है और मैंने आपको चारों साइड से दिखा दिया हूँ। ये एकदम टॉप पे है, यहाँ से आने के बाद रास्ता एंड हो जाता है। एंड अभी पहले शिव टेम्पल है, फिर उसके बाद में बुद्ध टेम्पल, और उसके बाद में हम लोग अभी दर्शन करके निकल रहे हैं। सो गाइज हमारा धवलगिरी घूम के हो चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, और 4 बज चुके हैं, 4 बजे 4:30 बजे इधर के सारे जो टूरिस्ट प्लेस है वो बंद हो जाते हैं। आए हैं जंगल व्यू रेस्टोरेंट, यहाँ पे मिलता है बाम्बू बिरयानी। यहाँ का उड़ीसा का बहुत फेमस है बाम्बू बिरयानी, वही खाने के लिए आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बंद है, क्लोज, रेस्टोरेंट बंद है। और दूसरा ब्रांच कहाँ पे है बोले? बारंग भैया, बारंग ये वाला रेस्टोरेंट बंद है, इनका दूसरा रेस्टोरेंट है, उसमें जाते हैं। जंगल व्यू रेस्टोरेंट कहाँ पे जहाँ बाम्बू बिरयानी मिलती? बाम्बू हाँ, मटन हाँ, मटन वो उधर वाला बंद है। इधर नहीं, वो बंद है, बाजू वाला है, बाजू वाला है।
आगे ना, वही वही दुकान, ये आगे। अच्छा आगे से गेट है उसका। हाँ ओके डन, इधर से जाओ, इधर से पांच साइड पे आ जाओ। ठीक है ठीक है, थैंक यू। सो गाइज वो बिरयानी खाने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत ही गजब बिरयानी है। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए जंगल व्यू, बहुत दूर से आए हैं बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी है ना अवेलेबल, एक रेस्टोरेंट बंद था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्पेशल बाम्बू बिरयानी। तो भैया, ये भैया यहाँ के स्टाफ है, इनको यहाँ का प्रॉपर अपन एड्रेस पूछते हैं ताकि अगर आप लोगों को बाम्बू बिरयानी खाना है यहाँ का फेमस तो आप आ सको। ठीक है, तो भैया एड्रेस बता दीजिए सबसे पहले। ये होता है नंदनकरण के पास होता है रेस्टोरेंट, हमारा दो ब्रांच है, एक होता है चंदकर ब्रांच और दूसरा है बारंग ब्रांच। ये जो ब्रांच है बारंग ब्रांच है, ये नंदनकानन और पटिया रोड में आता है, ये नंदनकानन से 1 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे बाम्बू चिकन बिरयानी, बाम्बू मटन बिरयानी एंड बाम्बू चिकन और बाम्बू मटन, ये चारों फेमस है। गुंडरी बाड़ भी होता है यहाँ पे, और प्रॉन पोड़ा, प्रॉन तावा पोड़ा एंड प्रॉन पत्र पोड़ा, ये दो फेमस है यहाँ पे। अच्छा बाम्बू बिरयानी का रेट क्या है? चिकन बाम्बू बिरयानी का रेट है 350 और चिकन मटन, बाम्बू मटन बिरयानी का है 380, उसके ऊपर GST आ जाएगा। एंड बाम्बू मटन बाम्बू चिकन का प्राइस है, बाम्बू चिकन का प्राइस है 400 और बाम्बू मटन का प्राइस है 650। ओके बाम्बू मटन का प्राइस 650। और ये कब से आपने स्टार्ट किए है, मतलब आइडिया कहाँ से आया आपके पास? पहला होटल जो था वो पहले ढाबा से ही स्टार्ट हुआ था। हाँ। उसके धीरे धीरे हो गया, वो होटल हो गया 10 साल। हाँ। ये हुआ उसका ब्रांच, ये हुआ है वो, वहाँ से भीड़ देखकर मालिक ने ये सोचा बनाने के लिए, ये हो गया 3 साल हो गया। और भीड़ वहाँ यहाँ सब जगह सेम ही होता है, बाकी संडे के दिन ज्यादा भीड़ रहता है और हॉलीडे में। और ये मतलब जो यहाँ पे है भुवनेश्वर एरिया ही बोलते हैं ना इसको, कटक भुवनेश्वर बॉर्डर है ये। हाँ हाँ, ये कटक तो ये यही पे मिलता है ना, अदर कोई जगह पे दिखा नहीं हमको एक्चुअली। नहीं, ये हमारे स्पेशली मिलता है, स्पेशली आपके तरफ जंगल व्यू ब्रांच पे ही मिलता है। हाँ सो गाइज ये जो बाम्बू चिकन है वो चिकन बिरयानी मटन बिरयानी ये सिर्फ जंगल व्यू रेस्टोरेंट में ही मिलेगा आपको, ये भुवनेश्वर में आता है। ठीक है, इनके दो ब्रांचेस है, आपको उन्होंने तो एड्रेस तो बता ही दिए है। और ये लोकेशन भी बहुत प्यारा तरीके से मतलब सजा के रखा है, देखिए ये। अभी हमारी बिरयानी बाम्बू बिरयानी रेडी हो रही है, ये लोगों का थोड़ा सीक्रेट है इसलिए वो मेकिंग नहीं दिखा रहे ये लोग। एंड उसके बाद में हमारा अभी पार्सल होने वाला है, तो पार्सल होगा तो आपको हमारे होटल में जाके दिखाएंगे हम लोग कैसे मतलब उसको बाम्बू से निकालते हैं। और एक क्वेश्चन रहेगा पूछने का, वो पूछ लेते हैं। और ये बाम्बू जो रहता है बिरयानी, इसको बना मतलब सेकते कैसे? वो कोयला में होता है। कोयला में तो बाम्बू तो जल जाता होगा ना? बाम्बू जलेगा तभी तो फ्लेवर आएगा ना। अच्छा तो बाम्बू हमको जला हुआ मिलेगा? जला हुआ ही मिलेगा। अच्छा तो हमको ऐसा पूरा ग्रीन बाम्बू नहीं मिलने वाला, जला हुआ बाम्बू मिलेगा, तो उसको ठोक ठोक के चिकन निकालना है उसमें से हमको। हमारा बाम्बू बिरयानी का पार्सल मिल चुका है, पीछे रखा हुआ है बाम्बू बिरयानी। किसका वीडियो बना रहे हो? आप ही का भैया, आप ही कंटेंट हो। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं हमारे होटल में घूम फिर के। आज पूरा हमने पूरी का साइट सीन किया, बाम्बू बिरयानी लिया, बाम्बू मटन लिया, सारे चीज़। अभी बाम्बू मटन मेरे हाथ में ही है तो इसको जाके खाना है घर पे। तो अभी जस्ट जाते हैं होटल में, हमारी गैंग उतर रही है पूरी, पूरा गाड़ी बुक किया था हमने घूमने के लिए। तो अभी हो रही है बाम्बू मटन बाम्बू चिकन बाम्बू बिरयानी की जो अनबॉक्सिंग, ये देखो ये पूरे इस तरीके से बॉक्सेस देख रहे हैं, सब पेपर खोलना पड़ेगा अपने को। So guys, मैं भी खा रहा हूँ भुना मटन और नान। भैया आप भी ले लो, चलते फिरते निपटा लो। देखना धीरे धीरे टोकने पूरे गिरेगी तो प्लेट से निकल जाएगी।
या और एक बांबू खुलने जा रहा है, इसमें क्या है? मटन 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 हाँ क्या खोल रहे? मेरा प्लेट है। आपने मटन कितना दिया उसने यार? मटन मेरे को लगता है एक्स्ट्रा किया उसने। और वो आपकी मम्मी नहीं खाती क्या? मतलब अपन इतने ही लोग हैं ना भाई। थोड़ा मैं मेरे प्लेट पे भी थोकता। हाँ नहीं लेता, मैं बाद में लेता भाई साहब। ये व्लॉगर लोगों का बड़ा अलग काम है, मोबाइल पकड़ के खाना खाना पड़ता। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में। उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं।